बिसम डियर स्टूडेंट्स असल आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्ज अकेडमी इलामा इकबाल टाउन के लर्निंग e पोर्टल के ऊपर पी एट एल वन पी एट यूनिट का लेक्चर वन तो इसमें हमारे पास आ, कौन सा सलेबस शामिल है करंट इलेक्ट्रिसिटी शामिल है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इसमें सेलेबस में शामिल है चीज़ आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी है जी क्या है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी है जी Current electricity which we discuss today. what are the included in it? Our academy, Iqbal Town, providing you the best-selling book series for NMDCAT CAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. सिलेबस so में इसमें है जी ओहला है ओहला के बाद इसमें रेजिस्टेंस है कंडक्टेंस है रेजिस्टिविटी है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर है और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है और फिर आगे किर्च ऑफ लॉज है पावर है और पोटेंशोमीटर uh, है ठीक है हम इसमें जो करेंगे वो किर्च ऑफ लॉज और पोटेंशोमीटर नहीं करेंगे वो अगले यूनिट के साथ करेंगे तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट यहाँ इस इस चैप्टर का जो है वो करंट से स्टार्ट लेते हैं कि करंट क्या है जी शाबाश जी शाबाश करंट को, को कोई डिफाइन करेगा जी करंट क्या होता है करंट करंट जो है वो क्या चीज़ है आई करंट जो लिखते हैं बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इज कॉल्ड करंट बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है तो स्टूडेंट्स हम इसको अब अगर लिखते हैं इसका फार्मूला लिखते हैं तो करंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है आई इज इक्वस टू होता है स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी ठीक है यूनिट्स की बात करें तो क्यू का यूनिट है कूलम टी का यूनिट है सेकेंड तो ये बनता है कूलम पर सेकेंड विच इज इक्वस टू एमपेयर ये एम्पेयर इसका यूनिट है इसके छोटे यूनिट जो नॉर्मली यूज होते हैं वो क्या है जी वो है मिली एम्पेयर है माइक्रो एम्पेयर है नैनो है. ठीक है मिली एम्पेयर जो है जी वो कितना आएगा आपके पास वो इक्वल आएगा टेन पावर माइनस थ्री एम्पेयर के माइक्रो एम्पेयर स्टूडेंट्स इक्वल आएगा टेन पावर माइनस सिक्स एम्पेयर के और नैनो एम्पेयर आएगा जी टेन रेस्टू पार माइनस नाइन एम्पेयर के ठीक है जी एम्पेयर को डिफाइन करें अगर तो वन एम्पेयर क्या चीज है वट इज वन एम्पेयर वन एम्पेयर इज अ करंट वेन वन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन वन सेकेंड ये आपके पास जो इसका यूनिट आ जाता है वन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर तो ये आपके पास क्या है जी इसका फॉर्म डेफिनेशन अब हमें पता है जी स्टूडेंट्स आई जो है वो किसके इक्वल है वो है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के तो यू नो चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे वो इक्वल होता है एन ई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ वन कैरियर तो ये टोटल चार्ज होता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस फार्मूले की तरफ चलते हैं तो ये आई स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा हमारे पास एन ई ओवर डेल्टा टी और यहाँ से अगर हमने एन कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगा आई इन टू डेल्टा टी ओवर ई ई e स्टूडेंट्स जो है वो चार्ज होता है किसी भी चार्ज कैरियर के ऊपर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है तो ये होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन अगर आपको करंट और टाइम गिवन है तो आप फ्लो करने वाले नंबर ऑफ कैरियर्स निकाल सकते हैं वट इज़ दिस बेसिकली ये क्या है जी ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं क्या हैं जी चार्ज कैरियर्स जो के आपके पास करंट का बाइस बनते हैं आई इन टू डेल्टा टी ओवर वन पॉइंट सिक्स टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन ये आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अगर मेटल्स हैं अगर मेटल्स आर कंडक्टर्स मतलब मेटल हैं या कंडक्टर्स हैं तो एन जो है बेसिकली क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर ऑफ क्या होंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स क्या होंगे ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स क्या होंगे ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे ठीक है अब एक एक क्वेश्चन करते हैं इफ वन मिली एमपेयर करंट फ्लो For ten seconds in metallic wire, find the number of electron flow in ten seconds. जी इन टेन सेकेंड में वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो करेंगे वो फाइंड करें स्टूडेंट कितने आएंगे तो देखें, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बड़ा सिंपल है एन कैलकुलेट करना है तो क्या आंसर आएगा आपके पास आई इंटू डेल्टा टी डिड बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन ठीक है स्टूडेंट एन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये वन मिली है वन मिली का मतलब टेन रेज टू पार माइनस थ्री है और ये टेन आ गया और ये आ गया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन यहाँ स्टूडेंट्स एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ इन दोनों को सॉल्व करें तो टेन रेज टू पार कितना बनता है आपके पास माइनस टू स्टूडेंट्स ये जो आपके पास चीज़ है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन ये फैक्टर मैंने सेपरेट कर दिया स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है ये आपका हमेशा याद रखें ये किसके इक्वल आएगा 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पार एटीन और ये साथ कितना आ गया टेन रेज टू पार माइनस टू तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 1 ओवर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन इक्वल होता है 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पार एटीन के ठीक है ये वैल्यू हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो अब इन्हें हम सॉल्व कर दें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो एन है इट वुड बी 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 16 इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जी वो पास करेंगे यहाँ से ओके हो गया जी ठीक है तो इसी तरह से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको और किया जा सकता है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो व्हेन अ करंट ऑफ 10 मिली मिलियनपेयर पासिस फॉर वन सेकेंड एक सेकेंड के लिए जब करंट पास करता है तो आप क्या करें चार्ज बताएं तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी तो स्टूडेंट्स देखें यहां पे हम क्या करेंगे चार्ज कैलकुलेट करना है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आई इन टू डेल्टा टी स्टूडेंट्स आई जो है वो आपके पास कितना आ गया है जी वो है uh, टेन मिली पेयर तो ये आ जाएगा टेन इंटू टेन पावर माइनस थ्री और टी कितना है जी वन सेकेंड है तो ये वन आ जाएगा स्टूडेंट ये टेन रेज टू कितना बन गया आपके पास माइनस टू सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टेन रेज टू पार माइनस टू कूलम आ गया ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ वन कूलम ऑन बॉडी जी एक बॉडी के ऊपर वन कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए वहां से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जी वो आप रिमूव करेंगे कितना है जी क्यू कितना है आपके पास वन कूलम है तो वी नो दैट क्यू इज़ इक्वल टू एन ई एंड एन इज इक्वल टू क्यू ओवर ई तो स्टूडेंट्स जो क्यू है वो कितना है वन है और ई e कितना है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन तो अभी ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी बनेगी 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पार एटीन इलेक्ट्रॉन्स ये इतने चार्ज कैरियर आप किसी बॉडी से रिमूव करें तो वहां कितना चार्ज आ जाता है वन कूलम या इतने चार्ज कैरियर प्लेस करें तो वहां चार्ज कितना आ जाता है स्टूडेंट वन कूलम आ जाता है ठीक है जी अच्छा जी अब आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैरियर्स टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स चार्ज कैरियर्स की चार्ज कैरियर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है जी किसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर शाबाश बताइएगा जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर हैं जी मेटल्स के अंदर हैं जी ठीक है मेटल्स के अंदर कौन से हैं जी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कैरियर्स अच्छा जी फिर आगे आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस हैं किसके अंदर होते हैं जी ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होते हैं किसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स में ये कैरियर होते हैं जो करंट का बाइस बनते हैं ठीक है आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जी किसके अंदर ये किसके अंदर है जी गैसेस के अंदर गैसेस में करंट इनकी वजह से चलता है आइंस की वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ठीक है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वैकेंसीज आर होल्स वैकेंसीज आर होल्स किसके अंदर है जी सेमी कंडक्टर्स के अंदर सेमी कंडक्टर्स के अंदर ये इससे करंट चलेगा ठीक हो गया जी तो ये टाइप्स हैं कैरियर्स की जो मुख्तलिफ बॉडीज के अंदर करंट को चलाती हैं आगे देखते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है या इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक करंट हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स ये अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने इसके साथ एक बैटरी लगाई है एक मैंने इसके साथ क्या लगा दिए बैटरी अब करंट इसमें किस तरह चलता है इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्या है जी स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं हाई पोटेंशियल की तरफ सो so, इनकी मूवमेंट किधर होगी टू हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल एक्चुअल डायरेक्शन करंट की किसी भी सर्किट में ये होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लो पोटेंशियल टू हाई एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है किसी भी सर्किट में एक्चुअल डायरेक्शन जो है ऑफ करंट जो है स्टूडेंट्स वो क्या होती है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ठीक है और ये एक्चुअल करंट किसकी वजह से होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छा स्टूडेंट अब जितने भी लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बरक्स जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो इसके उल्ट लेते हैं वो डायरेक्शन हम किधर कंसिडर करते हैं हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन विच इज फ्रॉम अगर इसको इमेजिन करें कि यहाँ कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव तो वो किधर करेगा वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो जो करंट आपके पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है उस करंट को हम क्या कहते हैं कन्वेंशनल करंट तो ये जो रेड है वट इज दिस दिस इज कन्वेंशनल करंट जब एक्चुअली पता नहीं था जब के शुरू में जब करंट की बात की गई फिज़िक्स में तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स थे उनकी वजह से इमेजिन किया गया करंट फ्लो करता है लेकिन प्रोटॉन चूंकि बॉन्डेड होते हैं एटम के अंदर फ्री नहीं होते तो एक्चुअली करंट किसकी वजह से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दैट्स वाई फिर उसी जो शुरू में इमेजिन किया गया था उसी को कन्वेंशन बना लिया गया तो एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉनिक होता है तो ये आपके पास कौन सा करंट है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो डायरेक्शन के रिवर्स करने से देखें डायरेक्शन के स्टूडेंट रिवर्स करने से करंट के एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता देर विल बी नो इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ करंट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन तो कन्वेंशनल करंट की वही इफ़ेक्ट्स होंगे जो किसके हैं इलेक्ट्रॉनिक के सिवाय इसके कि उसकी डायरेक्शन हम क्या करते हैं रिवर्स लेते हैं उसके किसके इलेक्ट्रॉनिक के और जितने भी सर्किट हैं उन सब में कौन सी डायरेक्शन हम इमेजिन करते हैं कंसिडर करते हैं कन्वेंशनल टिल के वहां पे ये स्ट्रेट ना किया जाए कि ये कौन सी डायरेक्शन है अगर स्ट्रेट नहीं किया हुआ कि कौन सी डायरेक्शन है तो कौन सी ली जाएगी हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन ली जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स तो करंट के हवाले से ये करंट के जो इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी जो करंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है वो कौन कौन से हैं करंट इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या क्या जी शाबाश सिर्फ हमें ये इतना ही काफी है इफेक्ट्स जो हैं ये हीटिंग इफेक्ट्स देता है स्टूडेंट क्या देता है ये हीटिंग इफेक्ट यानी जब किसी कंडक्टर से पास करेगा तो क्या करेगा हीट प्रोड्यूस करेगा और उसका फार्मूला क्या होता है आई स्क्वेयर आर टी फिर ये स्टूडेंट क्या करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट देता है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किधर कंडक्टर के सराउंडिंग में फिर स्टूडेंट्स ये क्या करता है फिर ये केमिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है केमिकल इफ़ेक्ट यानी इलेक्ट्रोलिसिस करता है तो ये इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो ये प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है जब किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके सराउंडिंग में या उसके इनसाइड ठीक है जी तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बेसिक सी चीज़ें हैं करंट से रिलेटेड हैं जो डिफरेंट चीज़ें वो हमने अभी देखी हैं कि करंट किस किस्म का कितनी टाइप्स हैं उसके छोटे छोड़ छोटे क्वेश्चन क्या हैं उसके यूनिट्स क्या हैं करंट के ठीक है तो नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम सोर्सेज ऑफ करंट देखें सोर्सेज ऑफ करंट की अगर बात करते हैं ये फेडरल की बुक ने इसको सोर्सेज ऑफ ईएमएफ भी लिखा हुआ है पंजाब की बुक ने इसे लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ़ करंट और फेडरल ने लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ ई तो इसमें आपके पास स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं क्या है जी जनरेटर्स हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं ये क्या करते हैं ये मकैनिकल इनर्जी को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते हैं किसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी में में कन्वर्ट करते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स ये मकैनिकल एनर्जी को ओके okay? ठीक है अच्छा जी फिर इसके बाद आपके पास जी जो सेल और बैटरीज़ हैं सेल है या बैटरीज़ हैं और वो स्टूडेंट्स क्या करती हैं वो केमिकल इनर्जी जो है जी उसको कन्वर्ट करती हैं किस में इलेक्ट्रिकल इनर्जी में ठीक है किसमें करती हैं जी इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्वर्जन करती हैं ये किसकी केमिकल एनर्जी की ठीक है जी फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला है वो है सोलर सेल्स हैं सोलर सेल्स हैं ये क्या करते हैं जी सोलर सेल स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट करते हैं किसको लाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्जन करते हैं इसकी और थर्मोकपल्स हैं स्टूडेंट्स थर्मो कपल्स ये क्या करते हैं जी ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये इसको कन्वर्ट करेंगे ठीक है ये सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं या आपके पास क्या हैं जी सोर्सेज हैं किसके करंट के हैं ठीक है जी स्टूडेंट्स चले अब हम आगे डिस्कस करेंगे किसको ओहम को स्टूडेंट किसको डिस्कस करेंगे ओह जला को करेंगे ओके टू गेट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एफ एस सी एंड एमडी कैट प्रिपरेशन डाउनलोड स्टार्स अकेडमी ई लर्निंग ऐप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड स्टार्ट योर एक्सीलेंट प्रिपरेशन टूडे